हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे धनिया के आलू। धनिया के आलू बनाने के लेंगे उबले हुए आलू, हरा धनिया, पालक के पत्ते, हरी मिर्च, हींग, नमक, नींबू का रस और चाट मसाला। चटनी बनाने के लिए मिक्सी का एक जार लेंगे, उसमें हरा धनिया डालेंगे, पालक के पत्ते डालेंगे, हरी मिर्च उसको बीच से ऐसे तोड़ देंगे, हींग डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और मिक्सी में पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। चटनी तैयार हो गई है। एक बाउल में उबले हुए आलू लेंगे, इनको हमने पीसेस में कट कर लिया है। इसमें तैयार की हुई चटनी डालेंगे। नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि चटनी में भी नमक है। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया के आलू तैयार हो गए हैं, इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपको मीठी चटनी पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चटपटे धनिया के आलू सर्व करने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।